हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृष्णा जी की इस ड्राइंग को कलर करने वाले हैं। आइस वाले एरिया को डार्क चारकोल पेंसिल से शुरू किया है मैंने। अब मैं एक छोटे साइज का ब्रश लेकर इसे धीरे धीरे ब्लेंड करूंगा। बाकी थोड़ा बहुत शेडिंग वाला पोर्शन में होममेड चारकोल पाउडर से फिनिश करूंगा। अगर आप भी ऐसा ही होममेड चारकोल पाउडर बनाना चाहते तो मुझे कमेंट कर दे। और बाकी का ड्राइंग में ओनली 50 रुपीज के सस्ते ऑयल पेस्टल कलर से करूंगा। धीरे धीरे शेडिंग और ब्लेंडिंग करने के बाद मैं हाईलाइट व्हाइट जेल पेन से दूंगा। मैं यहाँ पर धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ, हमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी। जो पेपर यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ वो ब्रूस्टो का A5 साइज टोन्ड ग्रे पेपर है। आइस वाले पोर्शन पर मैंने हल्के प्रेशर के साथ ऑयल पेस्टल यूज किया है। डार्क एरियाज पर ज्यादा और लाइट एरियाज पर कम मात्रा में हमें ऑयल पेस्टल यूज करके उसे व्हाइट कलर से ब्लेंड कर देना है। इस बात का खास ध्यान देना है कि हर लेयर को कलर करने के बाद ही हमें ब्लेंड करना है। और हाइलाइटिंग एरिया में हम डायरेक्ट व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे। इसी मेथड का यूज करके मैं इस ड्राइंग को पूरा कलर करूंगा। इसी कलर का यूज करके मैं बैकग्राउंड कंप्लीट करूंगा। इसी के साथ ये ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। अगर आपको मेरे आर्ट मटेरियल के ऊपर किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। ये ड्राइंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बाय बाय।